दीदी, आज क्लास में वीकली न्यूज सुनाने की मेरी बारी है, लेकिन मैंने अखबार नहीं पढ़ा है। अमन, तुम्हें रोज की घटनाओं के साथ अप टू डेट रहने की आदत डालनी होगी। वैसे आज के लिए इस सप्ताह की खबरों के बारे में मैं तुम्हें बताती हूँ। श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री कार्यभार संभालने के बाद पहली बार अपने गांव वडनगर का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने इंटेंसिफाइड इंद्रधनुष मिशन योजना और ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान की शुरुआत की। साथ ही उन्होंने IIT गांधीनगर के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन भी किया। GST काउंसिल ने टैक्स को सरल और बेहतर बना दिया है। इसके तहत अनब्रांडेड आयुर्वेदिक चिकित्सा, स्टेशनरी आदि वस्तुओं के लिए टैक्स दरों में कमी की गई, जिससे छोटे व्यवसायियों को फायदा मिलेगा। नरेंद्र मोदी सरकार ने 7th पे कमीशन के संशोधित वेतनमानों को मंजूरी देकर 8 लाख से अधिक शिक्षकों को दीपावली का तोहफा दिया है। मंत्रिमंडल ने कौशल भारत मिशन को बढ़ावा देने के लिए 6,650 करोड़ रुपए की लागत वाली कई योजनाओं को मंजूरी दी है। इस मुहिम के तहत भारत से नौकरी प्रशिक्षण के लिए 3 लाख युवाओं को 3 से 5 वर्ष के लिए जापान भेजा जाएगा। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA ने अब ENPS पोर्टल के माध्यम से अटल पेंशन योजना का पंजीकरण भी संभव बना दिया है। यह डिजिटल सेटअप बैंक, चेक्स और नेट बैंकिंग के माध्यम से पंजीकरण करने और ऑनलाइन फॉर्म भरने में सक्षम है। फाइनेंशियल इंक्लूजन को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से 1,55,000 गांवों में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 650 शाखाओं को कार्यात्मक बनाया जाएगा। थैंक यू दीदी, मैं इन सारी न्यूज से अपडेटेड कैसे रह सकता हूँ, जैसे कि आप हो? तुम सारे डेवलपमेंट्स और अपडेट्स को MyGov India के YouTube चैनल और Facebook पेज पर देख सकते हो।